सविता चक्रवर्ती और आज मैं आप सबके साथ गेडी ब्लॉग लेके आई हूँ तो पहले भी मैंने एक गेडी टूर का ब्लॉग बनाया था जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई है तो आज फिर से मैं लेके आई हूँ गेडी टूर का ब्लॉग तो चलते हैं गिरी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तो अभी हम लोग जा रहे हैं नगर छठ पूजा घाट तो अभी नदी में बहुत सारी पानी आ चुकी है यहाँ पे छठ पूजा होती है यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग बनाया है आप चाहे तो वो देख सकते हैं आई बटन में मिल जाएगा और ये शिव मंदिर है और ये जो बाउंड्री किया हुआ है ये नगर पार्क है इसका भी मैंने ब्लॉग अलग से बनाया है आप चाहे तो देख सकते हैं आई बटन में सारी लिंक मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक मिल जाएंगी तो चलिए और आगे चलते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी अभी हम लोग सुबह को मॉर्निंग के टाइम पे अभी हम लोग आ, मतलब निकले हैं तो अभी का नज़ारा देख सकते हैं सुबह का नज़ारा बहुत ही शांति का नज़ारा है बहुत ही अच्छा है अब देख हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है तो चलिए अभी आपको और भी एक खूबसूरत जगह पे ले जा रहे हैं पहले हम लोग वहाँ पे हमेशा जाते थे और वो वहाँ वहाँ एक पिकनिक स्पॉट भी है वहाँ पे फर्स्ट जनवरी सेकेंड जनवरी को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पिकनिक होती है तो देख सकते हैं नदी में कितना ज़्यादा पानी है तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे आप लोगों को एक सरप्राइज़ है तो चलिए झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे झारखंड नाम से ही जंगलों पहाड़ों का एक फीलिंग आती है एक नाम से उसकी एक फ़ीलिंग आती है तो आप देख सकते हैं कि अच्छी हरियाली है कितनी अच्छी अच्छी मौसम है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है सुबह में इतनी अच्छी मतलब हवा है ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है तो यहाँ पे एक देखिए प्ले स्कूल भी है तो फिर से हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो ये बाउंड्री दिख रही है ये गिरीडी एयरपोर्ट का बाउंड्री किया हुआ है तो पहले ये खुला था तो सामने से ही रास्ता था तो हम लोग यहाँ पे बाइक वगैरह चलाने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे क्रिश्चियन हिल है तो देख सकते हैं ये क्रिश्चियन हिल है इस जगह का नाम है एक छोटे से मतलब माउंटेन बोल सकते हैं तो यहाँ पे पिकनिक वगैरह होती हैं तो आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है तो अभी मॉर्निंग के टाइम पे आए हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रही है बहुत ही दम बहुत ही अच्छा लग रहा है तो देख सकते आपको एक्सप्लेन करेंगे इस जगह के बारे में क्योंकि उनको इस जगह के बारे में मुझसे ज़्यादा उन्हें पता है क्योंकि वो बचपन से इस जगह में आते जाते रहे हुए हैं तो ये देखिए बांस का प्लांट है जिसको इंग्लिश में बैम्बू प्लांट्स कहते हैं हंसते हंसते कट जाए रे जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे ला 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 ये गिरीडी शहर है और पहाड़ है और गिरीडी गिरीडी नाम से आपको मालूम चला ये पहाड़ों का जगह है राइट और आप यहाँ देख रहे हैं कितना सुंदर पहाड़ है लेकिन ये कुछ साल पहले और सुंदर था कुछ देखिए पत्थर को कटिंग कर लिया गया है इसलिए थोड़ा सा इसका जो ब्यूटी है वो कम हो गया लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है और देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है देखिए अभी कृपा पहाड़ में चढ़ के दिखाएगी <laughs> कृपा एक छोटा सा पत्थर पे चढ़ गई है और आराम से बैठ रही है इंजॉय करिए। ये है नेचुरल ब्यूटी आजकल बच्चे लोग सिर्फ मोबाइल पे ही बिजी रहते हैं लेकिन असली खुशी इसी में है ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इन्जॉयमेंट भी हो जाती है हमें कोशिश करना चाहिए कि ये नेचुरल ब्यूटी को बचाने बचाए रखने के लिए नेचुरल ब्यूटी को हम लोग को बचाए रखने के लिए पेड़ पौधे और लगाना है पहाड़ों को बचाएँ जिससे कि हम लोग के आने वाले पीढ़ी इसको इंजॉय कर सके ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो में देखें और क्या ये खेत नील था ये है और रहेगा और इसके हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए नेचुरल ब्यूटी को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए देखो तो अभी हम लोग पूरे पहाड़ों के चारों तरफ आपको सैर कराते हैं चलिए पेवे। ये हम लोग क्रिश्चियन हिल को आप लोग को चारों तरफ से घुमा के दिखा रहे हैं देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यूज हैं कहीं बड़े बड़े पत्थर का प, बड़ा बड़ा पत्थर भी पड़े हुए हैं कई बड़ा बड़ा ग्रास है झाड़ी है, है। ये अब जो देख रहे अभी खाली खाली लेकिन ये अगर फर्स्ट जनवरी को आप आएंगे तो यहाँ पैर रखने का भी आपको जगह नहीं मिलेगा ये पूरा पब्लिक से भरा हुआ रहता है ये बहुत आ, अच्छा पिकनिक स्पॉट है ये जो आप स्ट्रेट में वाइट कलर का देख रही एक ब्रिज है और इधर से रेलवे लाइन क्रॉस किया गया है तो इस साइड में एक ब्रिज है और रेलवे लाइन टर्न यह पहाड़ के पीछे की तरफ हम लोग घूम रहे हैं मतलब आपको लोग को पहाड़ ये छोटा सा हिल क्रिश्चन हिल हम लोग चारों तरफ से आप लोग को दिखा रहे हैं जिससे आप लोग इसको पूरी तरह से इंजॉय कर सके देखिए चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी शांति शांति ये पहाड़ को देखिए यहाँ काट के रोड बनाया गया है ये जो आप में कटा हुआ दिखाई दे रहा है ना ये आपका यहाँ से काट के रोड बनाया दिया गया है ये देखिए दो दोस्त आराम से चल रहे हैं तो ये, ये आपका एयरपोर्ट बाउंड्री आपको, आपको दिखाई दे रहा है मैं आपको सामने ले जाके दिखा रही हूँ पहले कुछ साल पहले ये बाउंड्री नहीं था खुला हुआ था यहाँ बच्चे लोग क्रिकेट खेलते थे हम लोग भी जब बचपन में यहाँ क्रिकेट खेलते थे और बहुत कोई यहाँ बाइक और कार चलाना सीखते थे ये हम लोग आगे एयरपोर्ट के फ्रंट पोर्शंस में आ रहे हैं तो सामने हम लोग गेट के पास आ चुके हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेडी एयरपोर्ट तो ये मेन गेट है तो अभी हम लोग सामने आके आपको दिखा रहे हैं और ये रेस्ट हाउस है तो देख सकते हैं बहुत ही है ब्यूटीफुल है ना तो फिर चलिए अभी हम लोग चलेंगे और किडी का टूर करने के लिए चलिए ये जो फील्ड देख रहे हैं यहाँ मिनिस्टर्स लोग आते थे और स्पीच देते थे अब ये रोड जो हम लोग जा रहे हैं ये बोड़ो में निकल रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्यूटीफुल कलरफुल बिल्डिंग सब देख रहे हैं ये एक छोटा सा स्कूल था लेकिन अभी फिलहाल ये अभी शायद क्लोज है कितना सुंदर में देखिए वॉल में पेंटिंग किया गया इतना कलरफुल बिल्डिंग्स हैं अब धीरे धीरे मॉर्निंग सुबह हो रही है और रास्ता में चहल पहल भी बढ़ रहा है लोग अपने काम में के लिए निकल पड़े हैं देखिए अब बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स शॉप्स अब हम लोग प्लैंट्स और ट्रीज बहुत कम ही देख रहे हैं देखिए कुछ फ्रूट सेलेड्स भी रोड पे आ गए हैं वो अपने फ्रूट्स बेच रहे हैं ये हमारा शोरूम लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं हम लोग कुछ दिन कुछ बारिश हुई थी इसके चलते रोड में कुछ जगह पानी भी जमा है ये अपना हनी वाली स्कूल हम लोग लेफ्ट साइड हैंड साइड पे क्रॉस कर रहे हैं एक सी बी एस ई अपलेटेड स्कूल है जो मोहनपुर में स्थित है हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं देखिए अब हम लोग आपको ये दिखाते हैं फॉरेस्ट ऑफिस ये जो आप देख रहे हैं एरिया राइट हैंड साइड में फॉरेस्ट ऑफिस है देखिए कुछ दुकानें भी हैं कुछ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स भी हैं रोड के चारों तरफ देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल सीन है यह पेड़ पौधे भी रास्ते पे आपको नजर आ रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं देखें वो क्रिस्ट राजा चर्च है जो कार्नोल स्कूल के सामने स्थित है अब हम लोग कार्नो स्कूल के पास पहुंचने वाले हैं जो राइट हैंड जो रोड अपना राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ना ये काम स्कूल की ओर जाती है ये स्कूल टाइमिंग में आप इस रोड में चलना है मुश्किल हो जाएगा इतना बिजी होते है देखिए वे, कुछ वेजिटेबल सेलर्स जो गांव से आके यहाँ सब्जी बेच रहे हैं इस टाइम में आपको फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिल जाएगी ये सब गांव से आके तो फ्रेश वेजिटेबल्स कुछ देखिए फ्रूट सेलर्स भी बेच रहे हैं फ्रूट्स बेच रहे हैं ये जो भी आप खाली खाली लग रहा है ना, ना नौ दस बजे ये पूरा रास्ता में इतना बिजी हो जाएगा कि आपको चलना मुश्किल हो जाएगा देखिए धीरे धीरे रोड में चहल पहल बढ़ रहे हैं तो ये देखिए ये लॉटरी क्लब है लॉटरी आइस हॉस्पिटल तो यहाँ पे नेटराज होटल है ये अंबेडकर चौक में है तो ये अभी हम लोग अंबेडकर चौक में हैं तो ये है वज़ंगबली मंदिर तो यहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं पूजा करने के लिए और एक सामने में है पंच मंदिर ये पंच मंदिर है और ये हम लोग अभी टावर चौक में आ चुके हैं देखिए ये टावर चौक है तो यहाँ पे है एस एन वी शॉपिंग तो इसका मैंने ब्लॉग बनाया है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको तो अभी हम लोग जा रहे हैं कालीवाड़ी रोड तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कालीवाड़ मंदिर के पास तो यहाँ पे काली मंदिर है और ये कालीवाड़ी रोड है तो अभी हम लोग काली रोड से थोड़ा आगे जा रहे हैं तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे मछली बाज़ार में ये सब गिरी का सबसे बड़ा मछली बाज़ार है तो यहाँ पे देसी मुर्गी मछली बहुत तरह का मछली मिलता है देसी मुर्गी और ची एग्स वगैरह भी मिल जाते हैं अंडे वगैरह देसी मुर्गी के तो ये सब बाहर से आते हैं बेचने के लिए तो अभी हम लोग गिरी बास स्टैंड दिखाएँगे तो देखिए ये वो गिल्डी का बस स्टैंड है तो यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं देखिए यहाँ पे बस रुकी हुई है तो ये देखिए यहाँ पे बस स्टैंड है यहाँ से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से भी आप जा सकते हैं तो यहाँ से कोलकाता रांची धनबाद ये सारी जगह जाती हैं बस मैं आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करती हूँ आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो